नोटबंदी से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट कितने वापस आए, ये जानने के लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा। रिजर्व बैंक के पास नोट गिनने और नकली नोट छाटने वाली मशीनें नहीं है। RBI ने ऐसी मशीनें लीज पर लेने के लिए टेंडर भी जारी किया है। अभी तक कोई सप्लायर ये मशीनें मुहैया कराने को आगे नहीं आया है। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक बार बार इस टेंडर की तारीख आगे बढ़ा रहा है। दरअसल RBI नोट गिनने और नकली नोट छाटने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल करता है उसका नाम करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम है। RBI को ऐसी CVPS मशीनों की जरूरत है जो एक सेकंड में कम से कम 30 नोटों की गिनती करे और उनमें से नकली या कटे फटे नोटों को छाट कर बाहर कर दे। रिजर्व बैंक ने 18 CVPS मशीनें खरीदने के लिए 12 मई 2017 को ग्लोबल टेंडर जारी किया था। इसकी अंतिम तिथि 2 जून थी। हालांकि जब रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप सप्लायर नहीं आए तो अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 जून कर दिया गया। इसके बाद RBI ने आखिरकार ये टेंडर रद्द कर दिया। इसकी जगह 22 जुलाई को नया टेंडर जारी किया गया। इसकी अंतिम तिथि 7 अगस्त रखी गई है। 12 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर ने संसद के वित्त संबंधी समिति के सामने पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने सूचित किया था कि रिजर्व बैंक 66 मशीनें लगाकर नोटबंदी के दौरान जमा हुए पुराने नोटों की जांच कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनमें से जाली नोट कितने थे। ये काम पूरा होने के बाद ही केंद्रीय बैंक बता पाएगा कि नोटबंदी से कितने नोट सिस्टम में वापस आए। उर्जित पटेल ने ये भी कहा था कि RBI ने और मशीनें लीज पर लेने के लिए टेंडर भी निकाला है, इसीलिए नोटबंदी के दौरान हुए नोटों की संख्या बताने में अभी वक्त लग सकता है। दिशा बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN।